नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं ऑप्शन के ऊपर बेस करके एक वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं या करते हैं, या फिर आप ऑप्शन बायर्स हैं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, कब तक आप वेट करेंगे, एंट्री का साथ साथ इस मार्केट में एग्जिट कहां पर करना है, और कहां पर हम लोग साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। और अगर आप मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वीडियो को देख रहे हैं, एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट के बारे में या हम लोग का सपोर्ट के बारे में एक आइडिया हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, और स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एलएस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए मेरा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस एलएस ब्रोकर की तरफ से फोन चला जाएगा, मन में जो भी डाउट है क्वेरीज आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको लग रहा है जो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट, आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर है, उससे एलएस ब्रोकर आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए आ जाता हूँ अभी ऑप्शन का ऊपर। आज को मैं 17,900 का पुट का चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो क्यों मैं 17,900 का पुट का चार्ट को सिलेक्ट किया, जैसे मैं पहले बताया, जो आज को मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करूँगा, आज को मार्केट टोटली फॉलिंग हुआ है। अब मार्केट गिरने से हम लोग जनरली पुट बाई करते हैं, अगर मार्केट उठता है तो हम लोग जनरली कॉल बाई करते हैं, और स्ट्राइक प्राइस चूज किया जाता है, जो वैल्यू चल रहा है मार्केट में उसका आसपास कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं 17,900 भी दिया हूँ इसीलिए 17,900 ही चूज करना है, आप 18,000 भी चूज कर सकते हैं, 17,800 भी चूज कर सकते हैं, इस हिसाब से आसपास का कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। मार्केट का वैल्यू को देखते हुए आप अपना वैल्यू चूज करेंगे। तो आज को मैं 17,900 का पुट का चार्ट लगाया हूँ। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कैसे हम लोग को हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है सिग्नल देना, सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है सिग्नल देना। अब सिग्नल तो काफ़ी सारा बनता है, जैसे हम लोग देखते हैं मार्केट में कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता। कॉल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है और कैसे हम लोग कॉल को ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे देखिए ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है, ये आपका सिग्नल है। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे इस कॉल, ये जो कॉल है ये आया था 91 रुपीज में, यहाँ पर लिखा है 91। तो ये जो कॉल बना था बाइंग का, अब इस टाइम कॉल को कंफर्म करने के लिए क्या क्या चीज देखना है, यहाँ पर टोटल चार कंडीशन को आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे कॉल बनेगा आपको चार कंडीशन देखना है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है जो नीचे का रिबन का कलर क्या है। देखिए नीचे का जो रिबन है पहले रेड था, उसके बाद ग्रीन हो गया, ग्रीन मतलब यहाँ पर बायर्स बढ़ चुका है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है बाइंग का टाइम, नीचे का रिबन का कलर को ग्रीन होना है। सेकेंड कंडीशन है बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्टार दिखाई दे रहा है। थर्ड कंडीशन, यहाँ पर दो पतला पतला लाइन दिखाई देगा जो ग्रीन होके ऊपर का तरफ जा रहा है, तो ये बाइंग का टाइम ग्रीन होके नीचे रहेगा, सेलिंग का टाइम ये दोनों लाइन ब्रेक होके ऊपर चला जाता है, इसका कलर रेड हो जाता है, तो ये थर्ड कंडीशन हो गया। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये नीचे का लाइन इंडिकेटर। अब इस लाइन इंडिकेटर को थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है जिसका कलर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बायर्स बढ़ रहा है एंड रेड मतलब सेलर्स बढ़ रहा है, बट मेन इसका जो फंक्शन है वो है मिडिल का ये वाइट लाइन जिसका वैल्यू राइट साइड में लिखा हुआ है जीरो, मतलब ये है आपका न्यूट्रल पोजीशन। और जैसे ये लाइन इंडिकेटर न्यूट्रल को तोड़ के ऊपर का तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब आप स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस गए। तो ये टोटल चार कंडीशन आपको ट्रेड लेने का पहले मैच करना है। तो मैं कंडीशन को और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे सिग्नल बनेगा आपका पास नोटिफिकेशन आएगा, आपको तुरंत देख लेना है इसका पहले कौन सा स्टार है, ग्रीन स्टार या रेड स्टार, नीचे का रिबन क्या है, बाइंग में ग्रीन रहेगा सेलिंग में रेड रहेगा, लाइन जीरो का ऊपर है या नहीं, और यहाँ पर ये जो दो पतला पतला ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर ये चार कंडीशन मैच होता है तभी जाके इस कॉल को हम लोग स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। अब यहाँ पर एग्जिट करने का कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ जो ऑप्शन जो बाइंग करते हैं काफ़ी रिस्की होता है, ऑप्शन बाइंग में जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट लेके निकलिए, दैट इज मोर बेटर। बट आप कब तक वेट कर सकते हैं, फाइनली अगर आपको रिस्क लेके ज़्यादा पैसा बनाना है तो कब तक करेंगे, उसके लिए आपको नीचे का लाइन इंडिकेटर पे ही ध्यान रहना पड़ेगा।
ये जो नीचे का लाइन इंडिकेटर आप देख रहे थे कि एक बार इसका कलर ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, तो कलर उतना फैक्टर नहीं है। फैक्टर है जो ये कब वाइट लाइन को दोबारा तोड़ के नीचे आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाया हूँ, तो ये कौन सा कैंडल है, इस कैंडल पे मुझे दिखाई दे रहा है 1:10 पे ये लाइन इंडिकेटर वाइट को तोड़ चुका है। मतलब यहां से लेके यहां तक आप पोजिशन को वेट कर सकते थे। आप 91 पे एंट्री लिए थे, इस टाइम मार्केट का वैल्यू 179, मतलब लगभग आप यहां पर 150 पॉइंट का एक अच्छा खासा रैली निकाल सकते थे। तो ये जो लाइन इंडिकेटर है, आप पहले भी अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं सेफ जोन में, अदरवाइज आप मैक्सिमम इतना दूर तक वेट कर सकते हैं। तो एंट्री एंड एग्जिट बोथ इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका एग्जिट प्रोमिनेंट होता है तब जाके आपको लंबा प्रॉफिट दिखेगा। देखिए उसका बाद कैसे मार्केट आपको फंसाएगा, सेल का कॉल बन गया, अब हम लोग को लग ही सकता है जितना मार्केट मूवमेंट दिया आप सेलिंग में आ जाएगा। तो आपको जो चार कंडीशन मैच करने, एक नीचे करीबन रेड हो गया जो मैच है, ये लाइन इंडिकेटर व्हाइट का नीचे आ गया ये भी मैच है, बट इस सेल का कॉल का पहले कोई रेड स्टार है नहीं, और ये जो दोनों ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये अभी भी ग्रीन होकर नीचे खड़ा है, तो ये सेल का कॉल आपके लिए फॉल्स हो गया क्योंकि दो मैच है, दो कंडीशन मैच नहीं है। अल्टीमेट मार्केट घुमा के बाय का कॉल दे दिया, अब यहां पर हम लोग को लग ही सकता है जो मार्केट दोबारा ऊपर लेके चला जाएगा, बट ये जो लाइन इंडिकेटर है ये अभी भी देखिए व्हाइट का नीचे गिरा हुआ है। तो व्हाइट का नीचे गिरा हुआ है इसका मतलब है अभी भी मार्केट में जो ट्रेंड है या मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो सेलिंग की तरफ आ चुका है, तो ये बाय में भी आप एंट्री नहीं ले पाएंगे और ना ही ये सेल में आप एंट्री ले सकते क्योंकि इसका पहले कोई स्टार नहीं है और ये दोनों लाइन अभी भी ग्रीन होकर खड़ा है। तो जो मौका मिला था सुबह को, मौका मिला था 1:10 पे आपको प्रॉफिट देके निकाल दिया, उसका बाद अभी तक मार्केट में कोई मौका नहीं है और यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी। अगर साइडवेज मार्केट में आप फंसे हुए हैं तो ट्रेड मत कीजिए, और ये साइडवेज मार्केट आपको समझ में आएगा सिंपली हम लोग का सॉफ्टवेयर का इंडिकेशन को या कंडीशन को देखते हुए। तो काफी सिंपल लॉजिक है, सिग्नल बनने से नोटिफिकेशन आएगा, कंडीशन मैच करना है, अगर मैच होता है तो ट्रेड करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।